हेलो गाइस, मैं अर्जुन, मेरे चैनल एके गार्डनिंग में आप सभी का स्वागत है। अभी बरसात स्टार्ट हुआ है दोस्तों, तो मैं अपने गार्डन में कुछ प्लांट ऐड किया हुआ हूँ। तो उसमें से पहला प्लांट है मधुकामनी का। यह एक आउटडोर फ्लावरिंग प्लांट है दोस्तों, जो कि इसकी फूलों में बहुत ही ज़्यादा सुगंध होती है। सेकेंड प्लांट है दोस्तों चांदनी का। ये भी बहुत ही खूबसूरत आउटडोर प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट। इसको हम बॉन्साई का रूप भी दे सकते हैं, चांदनी प्लांट को, और मधुकामनी को भी हम बॉन्साई का प्लांट दे सकते हैं, एक शेप बना सकते हैं बहुत ही अच्छा। उसके बाद एक इंडोर प्लांट दोस्तों देख सकते हैं, ये एरिका पाम का प्लांट है। ये भी बहुत ही खूबसूरत इंडोर प्लांट है दोस्तों। चाहे तो आप आउटडोर भी रख सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली सनलाइट इसमें नहीं देना है आपको, और ओवर वाटरिंग भी नहीं चलेगा इस प्लांट में, तो उसको उस चीज़ पर आपको ध्यान देना है। उसके बाद ये प्लांट है दोस्तों देख सकते हैं ड्रेसिना का। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। ड्रेसिना के बहुत सारे वैरायटी आते हैं, इसमें से एक ये वैरायटी है ड्रेसिना का, कलरफुल। उसके बाद आगे चलते हैं चाइना पाम है दोस्तों, इसमें भी बहुत सारे वैरायटी आते हैं। ये चाइना पाम है, ये भी इंडोर प्लांट है दोस्तों। उसके बाद ये एक आउटडोर बहुत ही परमानेंट अच्छा और सुंदर प्लांट है दोस्तों, जिसको हम रेड रॉबिन के नाम से जानते हैं, या फिर सिजिक्सम के नाम से जानते हैं। इसमें जो है ना, या ये रेडिश कलर में होता है ऊपर की पत्तियाँ, या फिर बिल्कुल थोड़ा कम रेड पिंक कलर में होता है। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, अपने घर में ऐड कीजिए इन सब प्लांट को। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और मेरे ये नए प्लांट भी आपको कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे कुछ अगले प्लांट, अगली जानकारी लेकर कुछ प्लांट के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, हैप्पी गार्डनिंग।